हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है, तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा सैमसंग वन यू आई 2.1 के बाद में 2.5 लेकर के आया था अपने नोट 20 अल्ट्रा सीरीज के साथ में, नोट 20 सीरीज के साथ में, नोट 20 अल्ट्रा के साथ में बेसिकली। सो यहाँ पर ये जो वन यू आई 2.5 का अपडेट है, ये सैमसंग ने S20 सीरीज के लिए तो इंडिया में रिलीज़ कर दिया था, बट यहाँ पर S10 सीरीज के लिए भी आना था, एंड S10 लाइट और नोट 10 लाइट को भी यहाँ पर प्लान किया था वन यू आई 2.5 अपडेट के लिए। एंड रिसेंटली सैमसंग ने अपने S10 लाइट के लिए इंडिया के अंदर वन यू आई 2.5 का जो अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है 1100 एंड समथिंग अभी के आसपास की है, एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में आपको मिलते आते हैं सभी वो इम्प्रूवमेंट जो कि वन यू आई 2.5 के अंदर इंक्लूडेड हैं। लाइक प्रो वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे, माइक वगैरह यूज कर सकते हैं। बाय द वे, ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट है जो कि हमारा इंस्टाग्राम पर हमारे एक सब्सक्राइबर है शौकीन, उन्होंने शेयर करी है, सो थैंक यू वेरी मच। एंड इस अपडेट के बाद में जो आपके डिवाइस की बैटरी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड साथ ही साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर सैमसंग के S10 लाइट के अंदर तो हमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है एंड काफ़ी इफ़िशेंट है, एंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर। तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाता है सैमसंग का S10 लाइट इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडिया में भी स्नैपड्रैगन वेरिएंट हमें देखने को मिलता है। एंड आई थिंक यही सैमसंग का इकलौता स्मार्टफोन है जो कि पबजी जो है ये एक्सट्रीम HDR पर प्ले कर सकता है, बिकॉज जो सैमसंग के खुद के एग्जीनोस प्रोसेसर है वो इस FPS और इस ग्राफिक्स पे प्ले करने के लिए इतने पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। वेल, ये भी एक चीज़ हो जाती है छोटी सी जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाय द वे, यहाँ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाएगी, थोड़ा हीट अप आपका डिवाइस और कम होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कोई भी डिवाइस हीट नहीं होता, हीट होता है चाहे वो स्नैपड्रैगन 865 ही क्यों ना हो, बट अब इतना है कि आपका डिवाइस जो है बेटर तरीके से उसको एडजस्ट कर देगा वन यू आई 2.5 के बाद में, क्योंकि सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। एंड यहाँ पर सैमसंग ने सॉफ्टवेयर की मदद से काफ़ी ज़्यादा अपने डिवाइसेस को इम्प्रूव कर रहा है। वेल, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग का S10 लाइट तो ज़रूर से अपडेट करना, और मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना क्या है, क्या क्या फीचर्स मिले हैं आपको S10 लाइट के अंदर वन यू आई 2.5 इंस्टॉल करने के बाद में। वेल, मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।